हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीक्रेड स्टूडियोज के एक और नई पेशकश में। जी हाँ दोस्तों, सनी देओल की फिल्म ब्लैंक के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देओल हाल ही में बड़े पर्दे पर आए थे, लेकिन इस बार धर्मेंद्र और उनके दोनों बेटों सनी और बॉबी देओल की कॉमेडी लोगों को पसंद नहीं आई। सनी अब अपनी अगली फिल्मों के लिए कमर कस चुके हैं और उनमें से एक है डिम्पल कपाड़िया के भांजे के संग नई फिल्म। डिम्पल कपाड़िया के भांजे यानी कि उनकी बहन सिंपल कपाड़िया के बेटे करण कपाड़िया बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। उनकी फिल्म का नाम ब्लैंक रखा गया है। ये फिल्म 11 जनवरी 2019 को रिलीज होगी। फिल्म को बेहजाद खंबाटा डायरेक्ट करेंगे। वो पहली बार निर्देशन के मैदान में उतर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अजहर, बॉस और ओ माई गॉड में असिस्टेंट डायरेक्टर की कमान संभाली है। इस फिल्म को टोनी डिसूजा भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने डिम्पल कपाड़िया के दामाद अक्षय कुमार की फिल्में ब्लू और बॉस का डायरेक्शन किया था। बताया जा रहा है कि सनी देओल इस फिल्म में अहम रोल करते दिखाई देंगे। कुछ दिनों पहले ही टोनी डिसूजा ने फिल्म में सनी देओल के होने की पुष्टि करने के साथ कहा था कि डायरेक्टर बेहजाद खंबाटा ने जब स्क्रिप्ट को पूरा कर लिया था, तब उन्हें लगा कि सनी रोल के लिए परफेक्ट है। बेहजाद सनी के बड़े फैन हैं और उनकी फिल्मों को देखकर वो बड़े हुए हैं। इसी साल इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है। बता दें कि सनी का किरदार इस फिल्म में उनके एक्शन हीरो वाले स्टाइल का ही होगा। उनके इस किरदार को देखकर उनके एक्शन हीरो वाली फिल्मों की याद आएगी। जानकारी है कि ये फिल्म मुंबई में ही शूट की जाएगी। हाल ही में एक इंटरव्यू में करण कपाड़िया ने कहा था कि वो अपने जीवन में बहुत लकी है, क्योंकि उन्हें उनकी माँ सिंपल के अलावा माँ के रूप में डिम्पल जैसी मौसी का प्यार भी मिला है। करण पहले 118 किलो वजन के थे, लेकिन बाद में उन्होंने जिम में पसीना बहाया, बैंकॉक जाकर मार्शल आर्ट सीखा, साथ ही जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो से एक्टिंग का कोर्स भी किया ताकि वो अपने डेब्यू के लिए फिट हो सके। यही नहीं, अक्षय की फिल्म बॉस में वो टोनी के असिस्टेंट भी रहे हैं। करण की इस एक्शन फिल्म में सनी देओल का अहम रोल होगा। वैसे कपाड़िया से उनका कनेक्शन कोई छुपा हुआ नहीं है। डिम्पल कपाड़िया के साथ उनकी दोस्ती के चर्चे कई बार हो चुके हैं। कुछ समय पहले उनका एक वीडियो जब वायरल हुआ था, तब भी खूब हंगामा हुआ था।